नमस्कार दोस्तों, आज हम अलका किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दही के तड़के वाले खिले खिले राइस। खिले खिले चावल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं। इनको मैं अब अच्छी तरह धो करके पानी में भिगो दूंगी। चावल को भीगे हुए लगभग आधा घंटा हो गया। अब मैं इसका पानी चावल को मैंने अच्छी तरह धो करके उसका पानी को निथार दिया है। अब हम एक बर्तन के अंदर चावलों को डाल देंगे अच्छी तरह से, और इसमें एकदम खुला पानी, खूब सारा खुला पानी इसमें डाल देंगे। काफ़ी पानी डाल देंगे जिससे चावल उसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। गैस को ऑन कर लिया है और गैस की आंच तेज है। अब मैंने इसको चावलों को इसके ऊपर चढ़ा दिया है और इसे मैं एक ढक्कन से ढक दूंगी, आधा ढक दूंगी, जब तक हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। चावलों का हाल देखते हैं कैसा है। देखिए, चावल हमारे पानी एकदम खौलने लग गया है। अब हम आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे वापस आधे ढक्कन से इसे हम ढक देंगे। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। इसका हम एक दाना निकालेंगे और इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि ये गले हैं कि नहीं गले हैं। तो देखते हैं, हम इसको गल देखते हैं टेस्ट करके, तो ये हमारे चावल गल गए हैं। अब हम इनको वापस ढक्कन से ढक देंगे और इसका इसे थोड़ा टेढ़ा करके कपड़े से उठा करके इसका स्टार्च अंदर का निकाल के अलग कर देंगे। चावलों से मैंने पानी बाहर निकाल दिया है, बिल्कुल एक एक बूंद इसमें से निकाल दिया, और देखिए चावल हमारे एकदम से खिले खिले बने हैं। अब मैं इनको ढक्कन से ढक कर रख दूंगी। चावलों को फ्राई करने के लिए मैंने ये प्याज एक लिया है, इसको चॉप कर लिया है। आप देख रहे हैं, हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, लाल मिर्च को दो टुकड़ों में तोड़ लिया है, और ये आलू हैं, इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर दिए हैं छील करके। ये मैंने थोड़ा सा दही लिया है और काली मिर्ची ली है, लौंग और इलायची ली है, और थोड़े से लाल मिर्च के फ्लेक्स लिए हैं, इसके मैंने बीज निकाल के अलग कर दी हैं, और थोड़ी सी मैंने चने की दाल ली है। अब इस दही के अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और साथ ही साथ थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसको थोड़ी देर मिक्स होके और 5 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें थोड़ा सा तेल लिया और ये गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम चने की दाल को डाल देंगे और चने की दाल को डाल करके इसके कुरकुरे होने तक इसको भूनेंगे। जब तक ये कुरकुरी नहीं हो जाएगी तब तक इसे भूनेंगे। दाल हमारी कुरकुरी हो गई है। अब इसके अंदर हम ये आलू के साथ जो हमने कहा वो डाल देंगे और इनको भी हम अच्छी तरह गलने तक भूनेंगे। बिल्कुल ये अच्छी तरह नहीं गलने चाहिए, थोड़े थोड़े ये गल जाएं, तो इनको अच्छी तरह इसमें तेल में तल लेंगे या भून लेंगे। आलू जो हैं वो गल गए हैं। देखिए, इसको मैं हल्का सा ऐसे दबाऊंगी तो देखिए गल गए हैं इसके अच्छे से। आलू हमारे टच करके हम देख लेते हैं, ये गल गए हैं थोड़े थोड़े। 2 मिनट अभी और रखना पड़ेगा इनको। इनके गलने के बाद मैं इसमें ये जो मैंने ज़ीरा और काली मिर्च और ये जो फ्लेक्स वगैरह लिए थे, इलायची, इसको इसमें डाल दूँगी सबको अच्छी तरह से, और इसको धीमी धीमी आंच पे फ्राई करूँगी। इसको मसाले तरह मसाले को इसके साथ भूनूंगी अच्छी तरह से। इनको भी इसके साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे और अब इसके अंदर हम ये लाल मिर्च, हरी मिर्च और प्याज को डाल देंगे और इनको भी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। इनको गुलाबी होने तक भूनेंगे और प्याज भी हमारी हल्की हल्की गल जानी चाहिए। भुने हुए मसाले को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब इस कढ़ाई के अंदर हम ये दही और हल्दी और मिर्ची के मसाले को डालेंगे और अच्छी तरह इसको धीमे धीमे चलाकर भूनेंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि ये फटे नहीं बिल्कुल भी। दही भी हमारा पक गया है, अब इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। गैस के ऊपर मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ा दी है, ये बहुत शैलो है इसलिए मैंने इसको मेनली चढ़ाया है। इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, बीचों बीच में हम देसी घी डाल रहे हैं। इसको पूरी तरह अच्छी तरह से कढ़ाई को ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह पूरी तरह से, और फिर ये जो हमने राइस बनाए थे, देखिए कितने खिले खिले राइस हैं, एक एक आपको दाना खिला हुआ इसका लग रहा होगा। देखिए खिले हुए हैं इसके राइस। अब इन राइस को हम इसके अंदर कढ़ाई में पलट देंगे। ये राइस को कढ़ाई में पलट करके इसको हम फैला देंगे अच्छी तरह से। फैलाने के बाद
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक छिड़क देंगे, नमक स्प्रिंकल कर देंगे। नमक हालांकि हम चाहते तो बॉयल करते समय भी हम डाल सकते थे, और अगर आपने बॉयल करते समय नहीं डालना चाह रहे तो आप इसको अभी भी डाल सकते हैं फ्राई करते समय। अब इनको फ्राई करने के बाद इसके ऊपर हमने जो तड़का तैयार किया था उस तड़के को हम स्प्रेड कर देंगे, और इसको हम छुएंगे नहीं अभी, और फिर इसके अंदर जो हमने दही तैयार किया था ये इसके ऊपर हम धीरे धीरे फैला फैला के डाल देंगे। डाल करके देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है ना। इसको अब हम एक ढक्कन से इसको हम ढक देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए दम कर देंगे इसको। राइस को मैंने मिट्टी के एक ढक्कन से दम कर दिया था। आप देखते हैं इसकी हालत कैसी है। वाव, ये अच्छी तरह से इसमें इसका भी फ्लेवर आ गया है। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब मैं इनको प्लेट में सर्व करूँगी, इनको अच्छी तरह मिला लूँगी और 5 मिनट इसको अच्छी तरह भून लूँगी और इनको फिर मैं प्लेट में सर्व करूँगी। दही के तड़के वाला खिला खिला पुलाव बनके तैयार हो गया है। देखिए इसका एक एक दाना अलग है और ये बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा है और टेस्टी भी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने घर में बनाइए और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं समय समय पर आपको अपनी रेसिपीज़ को भेज सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार।